नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य में 3 नए कृषि कॉलेजों की होगी स्थापना। 4 महीनों बाद बिहार के स्कूलों में बच्चे पहुंचे। पटना में हाइटेंशन तार की चपेट में आई यात्रियों से भरी नाव। जनता दरबार के बाहर अयांस के परिवार ने किया धरना। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार RCP से पहुंचे पटना। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राज्य में 3 नए कृषि कॉलेजों की होगी स्थापना। बीते दिन आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के खास मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के नाम कई सौगातों की घोषणा की है। इसका फायदा कृषि विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों को मिलने वाला है। घोषणा के मुताबिक बिहार में जल्द ही 3 नए कृषि कॉलेज खोले जाएंगे। ये तीनों कॉलेज सबौर कृषि विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। इसके मुताबिक सबौर में कृषि जैविक तकनीकी कॉलेज, आरा में कृषि अभियंत्रण कॉलेज और पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। बताते चले कि 3 नए कृषि कॉलेज अलग अलग विधा में खोले जाने हैं, जिसके कारण बिहार में जैविक खेती और इंजीनियरिंग के साथ ही कृषि व्यापार और प्रबंधन में छात्रों को दक्षता हासिल हो सकेगी। अब प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को दी जाएगी एनीमिया रोग से बचाव की दवाई। बच्चों में एनीमिया रोग का खतरा होता है, जिसमें खून में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाने से शरीर के अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके बचाव के लिए अब बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को आयरन की गोली दी जाएगी। यह आदेश राज्य परियोजना निदेशक ने 2 दिन पहले ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दिया है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और एनीमिया मुक्त भारत के तहत आज से खुलने वाले बिहार के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को आयरन फोलिक एसिड की गुलाबी गोली और क्लास 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को नीली गोली प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को दी जाएगी। बिहार में 19 अगस्त तक उमस भरी गर्मी का दिखेगा असर। राज्य में बारिश के बाद की उमस गर्मी आने वाले 2-3 दिनों तक अपना असर दिखाएगी। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक मानसूनी ट्रफ लाइन अभी गया से होकर गुजर रही है, जिसके असर से अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में हल्के से बीच की बारिश होने के आसार है। तो वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश होने के आसार है। इसके साथ ही पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से बारिश हो सकती है, जिसकी स्थिति 19 अगस्त तक बनी रह सकती है। इस वजह से राज्य भर में उमस भरी गर्मी की स्थिति 19 अगस्त तक बने रहने की संभावना जताई गई है। किशनगंज में तैयार हो रहे हैं टिश्यू कल्चर लैब से बहुरेंगे किसानों के दिन। राज्य के सीमांचल क्षेत्र में खेतीबाड़ी कर रहे किसानों के दिन बहुत जल्द बहुरेंगे। यहां किशनगंज जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित हो रहा है, जिसके जरिए हर साल 10 लाख पौधे तैयार करने की क्षमता बढ़ेगी। यह लैब केंद्र सरकार की कृषि विकास योजना के तहत वित्त पोषित है, जो कि जिले के अड़बाड़ी स्थित डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज में तैयार किया जा रहा है। इस लैब के तैयार हो जाने से खास करके अनानास की खेती को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि लैब के बन जाने से कम समय में ही फसल तैयार हो जाएंगे। जहां अनानास के फल को पकने में अभी 16 से 18 महीने लगते हैं, तो वहीं लैब के जरिए यह 12 महीने में ही तैयार हो जाएंगे। पटना में हाई टेंशन तार की चपेट में आई यात्रियों से भरी नाव। राजधानी पटना में गंगा नदी में यात्रियों से भरी एक नाव के हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाने से एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक यह नाव बीती रात कच्ची दरगाह से रुस्तमपुर की ओर जा रही थी। जैसे ही नाव गंगा नदी के बीचों बीच पहुंची कि उसकी पतवार एक हाईटेंशन तार से सट गई और पूरे नाव में करंट आ गया। इस दुर्घटना में 38 यात्री झुलस गए, जबकि कुछ यात्री नदी में कूद पड़े। घटना में 4 यात्री लापता बताए जा रहे हैं, जिसके लिए NDRF और SDRF की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही है। घटना में घायल हुए यात्रियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी राहत बचाव का काम किया जा रहा है। 4 महीनों बाद बिहार में स्कूलों में बच्चे पहुंचे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के थमने के बाद आज करीब 4 महीने के बाद राज्य के स्कूल बच्चों से गुलजार हुए हैं। सरकारी आदेश के बाद आज से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। हालांकि अभी स्कूलों को आधी क्षमता यानी कि 50% के साथ ही खोला गया है, यानी कि बच्चे अभी 1 दिन बीच करके ही स्कूल जाएंगे। इस दौरान राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को आज क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए खोले गए, जहां बच्चों के पहुंचने से वापस स्कूलों में रौनक दिखी। इस दौरान बच्चों को कोविड गाइडलाइंस के नियमों के साथ बढ़ाया गया। जनता दरबार के बाहर अयांस के परिवार ने दिया धरना। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित पटना के नन्हे अयांस को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग जारी है और अब तक 6 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। हालांकि अभी भी इलाज के लिए 16 करोड़ के इंजेक्शन के लिए पर्याप्त रुपए जमा नहीं हुए हैं, जिसके बाद अब अयांस के माता पिता सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस क्रम में पूरा परिवार आज जनता दरबार के बाहर धरने पर बैठ गया। अयांस को गोद में लेकर उसके माता पिता सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे रहे और सरकार से भी मदद की गुहार लगाई। आपको बताते चले कि पिछले
साप्ताहिक जनता दरबार में इस संबंध में मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि सरकार के पास बच्चे के इलाज के लिए मदद करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि परिवार फिर भी उम्मीद जता रहा है। 18 अगस्त से 30,000 शिक्षकों की बहाली के लिए होंगे आवेदन। सूबे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद छठे चरण में 30,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होने वाली है। इसके तहत एसटीईटी 2011 पास अभ्यर्थी जो 26 सितंबर 2019 तक नियुक्ति संबंधी योग्यता रखते हैं वही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 सितंबर तक है। बताते चले कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट लिस्ट को 18 से 29 सितंबर के बीच तैयार किया जाएगा। इसके बाद समिति के द्वारा मुहर लगाने के बाद 8 अक्टूबर को औपबंधिक मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इस मेरिट लिस्ट पर आपत्ति जताने के लिए शिक्षकों को 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का समय दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार आरसीपी सिंह पहुंचे पटना। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद आज पहली बार राजधानी पटना पहुंचे। इस खास मौके पर उनका शानदार स्वागत पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ। बताते चले कि पार्टी के द्वारा कार्यक्रम की तैयारी सप्ताह भर पहले से ही हो रही थी। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही बड़ी संख्या में जदयू नेता, विधायक, पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के प्रमुख ने उनका स्वागत फूलमालाओं के साथ किया। इस दौरान प्रदेश कार्यालय पहुंचने के क्रम में एक रोड शो आयोजित हुआ। वहीं प्रदेश कार्यालय में भव्य कार्यक्रम के साथ आरसीपी सिंह का स्वागत किया गया। राजद प्रवक्ता ने जदयू में जल्द टूट होने की करीब भविष्यवाणी। बिहार में सत्ता पक्ष जदयू और विपक्षी आरजेडी दोनों ही पार्टियों में आंतरिक कलह देखने को मिल रहा है और इस मौके का फायदा उठाकर दोनों दल के नेता एक दूसरे के ओर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिख रहे हैं। इस क्रम में राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जदयू के दो फाड़ होने का दावा किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के स्वागत की भव्य तैयारियों में वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार किया गया है। इस वजह से जदयू में आंतरिक कलह की खबरें सामने आ रही है जिसे लेकर राजद प्रवक्ता ने जल्द ही जदयू में टूट होने की बात कही है। जनता दरबार में भभुआ नगर परिषद में करोड़ों के घोटाले की शिकायत लेकर पहुंचा शख्स। सूबे में आज अगस्त महीने के अंतिम जनता दरबार का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने राज्य भर से फरियादी अपनी शिकायतों को सुनाने पहुंचे थे। आज की सुनवाई में खाद्य आपूर्ति, समाज कल्याण, कृषि, नगर विकास, लघु सिंचाई, पंचायती राज समेत अन्य विभागों की समस्याओं को सुना गया। इस क्रम में एक शख्स भभुआ नगर परिषद में करोड़ों का घोटाला होने की गंभीर शिकायत मुख्यमंत्री के सामने लेकर पहुंच गया। शख्स का कहना था कि डीएम के आदेश पर जांच के बाद रिपोर्ट नगर विकास विभाग को भेजने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मुजफ्फरपुर में आवास योजना में धांधली की शिकायत को लेकर भी एक युवक पहुंचा जिसे जान मारने की धमकी भी मिली थी। इन समस्याओं को सुनने के बाद सीएम ने गुस्से में आकर विभाग के प्रधान सचिव को तत्काल एक्शन लेने का आदेश दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह के कार्यक्रम को बताया रूटीन वर्क। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार आज पटना आगमन होने पर उनका भव्य कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम की तैयारियां सप्ताह भर से चल रही थी मगर इसमें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल नहीं हुए। इस पर कुशवाहा ने अपना बयान देते हुए कहा कि आरसीपी सिंह का कार्यक्रम बाकी राजनीतिक गतिविधियों की तरह ही है और यह जदयू का एक रूटीन वर्क है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पार्टी के लिए बड़ा जरूर है लेकिन इसमें सबों की उपस्थिति हो ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनका भव्य स्वागत होना भी जरूरी है। दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पहुंचे वैष्णो देवी के दरबार। सिवान से आरजेडी के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं लेकिन उनके जाने के बाद बेटे ओसामा शहाब उनके ही नक्शे कदम चलते दिख रहे हैं। हाल ही में एक ओसामा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वे पालकी पर बैठकर माता वैष्णो देवी के दरबार जाते दिख रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा अपने दोस्त छोटू गिरी मारकंडे कुमार बूटी के साथ कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस दिल्ली लौट आए हैं। बताते चले कि इस तस्वीर के वायरल होने के बाद से ही इस बात की चर्चा उठी है कि शहाबुद्दीन की तरह ही उनके बेटे भी वैष्णो देवी भ्रमण करके एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में ओसामा की राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ी है। राजद कार्यालय में झंडोत्तोलन होने पर जेडीयू प्रवक्ता ने कसा तंज। राजद खेमे में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी अब जेडीयू के लिए राजद का मजाक बनाने का एक टॉपिक बन चुका है। दरअसल बीते दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर में राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नहीं पहुंचे जिस कारण तेजस्वी यादव की उपस्थिति में ही झंडोत्तोलन किया गया। इस मुद्दे पर तंज कसते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने चुटकी ली है। जेडीयू प्रवक्ता ने तेजस्वी द्वारा इस बार गांधी मैदान में झंडा फहराने की अफवाह
अफवाह पर तंज कसा है जो कि राजद के नेताओं द्वारा फैलाया जा रहा था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि 15 अगस्त को गांधी मैदान की जगह राजद कार्यालय में जबरदस्ती झंडोत्तोलन करने में कितनी बेइज्जती महसूस हुई होगी। सहवाग ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर उठाए सवाल। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच के चौथे दिन दो इंग्लिश खिलाड़ियों ने गेंद के साथ छेड़छाड़ की। इस घटना पर कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाए हैं। इस मैच के ब्रॉडकास्टर ने एक फोटो शेयर की है जिसमें इंग्लैंड के खिलाड़ी गेंद को जूते के नीचे रगड़ रहे हैं और उसे एक दूसरे को पास कर रहे हैं। इस घटना को देखने के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी सवाल उठाए हैं। सोनी टीवी के लिए कमेंट्री कर रहे सहवाग ने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर करते हुए छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया। सहवाग ने ट्वीट कर लिखा कि यह क्या हो रहा है, क्या यह इंग्लैंड के क्रिकेटरों द्वारा गेंद को खराब करने की कोशिश है या फिर वह कोरोना काल में बचाव के लिए कदम उठा रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से इस मुद्दे पर मैच रेफरी से शिकायत नहीं की गई। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार के आदेश पर आज से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल खुलने पर बच्चों की पढ़ाई पटरी पे आ जाएगी या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।